हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी आपको देखने को सुनने को मिल रहा होगा कि कोविड का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और वो इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में भी उसके बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये इंडिया में फैलता है तो इससे हमारे नीट एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा, कब हो सकता है नीट 2022 का एग्जाम, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कितना खतरनाक ये हो सकता है ओमिक्रॉन हमारे इंडिया के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो उस बारे में भी मैं आपसे कुछ बातें यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कुछ बातें ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन का असर हमारे एग्जाम पर किस तरीके से पड़ेगा। पिछले दो सालों से आप लोग देख रहे हैं, जब से कोविड आया है, नीट एग्जाम जिस समय पर होना चाहिए उस समय पर नहीं हो रहा है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा। नीट 2021 की तो एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग का ही पता नहीं है कि कब एडमिशन कराए जाएंगे, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ना तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लें, ना ही ये अभी पता चल रहा है कि हमें आगे करना क्या है, कि नीट 2022 की प्रिपरेशन करें या ना करें, और इस तरीके से आपका सारी चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फंसी हुई हैं। तो फिलहाल अभी मैं ओमिक्रॉन के बारे में आपसे बात करता हूँ, क्या है ये ओमिक्रॉन, कुछ जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूँ। पहले डिटेक्ट किया था हमारे एक जो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 24 नवंबर को इसके बारे में बताया था। WHO ने फिर 26 नवंबर को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक ऐसा वेरिएंट होता है जिसकी वजह से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से फैल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत वायरलेंट तरीके से यहाँ पर ये फैल सकती है। सिम्टम बहुत सीवियर यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके के वेरियंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरियंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। एक और होता है वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट, वो खतरनाक होता है लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। ये पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है जो कि इंडिया में आया है या वर्ल्ड में फैला है। इससे पहले भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जिसकी वजह से इंडिया में सेकंड वेव हमको देखने को मिली थी, और मैं आपको बता दूं वो था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की वजह से आपने देखा था सेकंड वेव आई थी और बहुत सारे लोग इसमें सेकंड वेव में बहुत सारे लोग बीमार पड़े थे, ठीक है ना। यहां पर मैं बता दूं आपको कि ये जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन जो है बहुत ज्यादा हुआ है, टोटल 52 म्यूटेशन इसमें देखे गए हैं, और इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है जो खतरनाक होती है उसमें ही केवल 32 यहां पर म्यूटेशन देखे गए। अभी तक जो भी हमारे पास डाटा है उसकी रिसर्च से हमें यह पता चला है कि ये जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 500 गुना तेजी से लोगों के बीच में फैलता है, ठीक है। और इंडिया में भी अभी तक इसके कई सारे केसेस देखने को मिले हैं, जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इंडिया में अब आने लगे हैं। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपका ये कई सारे देशों में अभी तक फैल चुका है, और कई जगह तो लॉकडाउन भी वहां की गवर्नमेंट ने लगा दिया है। मैं आपको बता दूं ये अभी तक कहां कहां फैल चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग, और आपका भी इंडिया, और भी कई सारे देशों में अभी तक ये फैल चुका होगा। तो ये इस तरीके से है। आपके अगर मैं सिम्टम्स की इसकी बात करूं तो देखिए, यहां जो अदर जो कंट्री हैं आपकी उनमें तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, जैसे इसके केसेस मिले हैं साउथ अफ्रीका में तो बहुत तेजी से यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इंडिया में जो हमारे केस मिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम देखने को नहीं मिले हैं। जहां पर जिन लोगों में ये ओमिक्रॉन पाया गया है उनमें थोड़ा बहुत चक्कर स्टार्टिंग में आया, बॉडी में पेन हुआ, और जो फीवर है वो 100 से ऊपर उनका नहीं गया, और नॉर्मल फ्लू जैसे जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण उनको देखने को मिले। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये आ गया है और अगर हम सेफ्टी मेजर नहीं यहां पर लेते हैं, जैसे कि वही आपका सैनिटाइजर आपके पास अगर नहीं होता है, आप मास्क नहीं पहनते हैं और लोगों से दूरी बनाकर नहीं रखते हैं, केवल काम से ही आपको बाहर जाना है, उसके अलावा अगर आप ऐसे ही पार्टी में अगर कहीं भी ऐसे ही जाते हैं तो ये फैल सकता है और थर्ड वेव आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको जो पहले आपने सेफ्टी मेजर लिए थे वही अगर आप लेते हैं तो आपको, आपके परिवार को कोई यहाँ पर कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली। वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया तो वैक्सीनेशन करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि वैक्सीन का इस पर असर हो रहा है। अब पूरी तरीके से है या नहीं है, 100% इससे हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है जिससे कि हम यहाँ पर इस तरह रिसर्च के थ्रू यहाँ पर पता लगा सकें कि ओमिक्रॉन पर हमारा जो वैक्सीन है वो कितना असरदार है, ठीक है। ये हल्के हल्के आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ, वैक्सीन का जो
असर है वो इस पर हो रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये तो अभी तक पता चल चुका है, ठीक है ना। और मैं चीज आपको बता दूं कि हमारे नीट एग्जाम पर क्या होगा, तो देखिए नीट एग्जाम पर असर इसका होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं अभी नीट 2021 की ही काउंसलिंग नहीं हुई है, और हमारे इंडिया में जो अभी तक फर्स्ट और सेकंड वेव आई है उसमें देखा गया है ज्यादातर केसेस मार्च और अप्रैल के करीब आते हैं, मई में आपका नीट का एग्जाम होता है, तो मई में तो ये नहीं होना है, वो तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही जानते हैं। अब ये कितना आगे जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पर वेव आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो एग्जाम है वो जुलाई से पहले तो आपका नहीं होने वाला, ये गारंटी है, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से हमारा एनटीए सतर्क है इन सारी चीजों को लेकर, मुझे नहीं लगता जुलाई से पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वेव में तो आपका सितंबर में हुआ था, मैं जुलाई मानकर अभी चल रहा हूं, जुलाई के लास्ट में होगा, जुलाई के बाद भी हो सकता है, जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, तो जो भी स्ट्रेटजी आपको बनानी है वो जुलाई को ध्यान में रखते हुए आप बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि नीट का फॉर्म कब आएगा, 2022 का फॉर्म कब आएगा, तो देखिए जब भी एग्जाम होगा उससे एक दो महीने पहले ही ये फॉर्म निकालेंगे आपके एनटीए वाले, ये इतने ज्यादा काम करने वाले नहीं है कि जो अभी फॉर्म निकाल दिया आपको, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, जो भी जब भी फॉर्म आता है मैं इस चैनल पर आपको वीडियो बनाकर जरूर आपके सामने आऊंगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर आपने नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या अभी करने जा रहे हैं, काउंसलिंग के चक्कर में रुके हुए हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको यहां पर सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे आप टेस्ट देंगे, और क्या आपको यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारी बातें कैसे आप करेंगे मैनेज, तो मैं आपको बताऊं अभी मैं आपका 6 से 7 महीने का पूरा समय मानकर चल रहा हूं, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए बनाया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके समय पर आपका कोर्स हो जाए, आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन समय पर अच्छे तरीके से हो जाए, एक कोर्स हमने यहां पर लॉन्च किया है नून अकेडमी पर, प्रयास बैच। ये प्रयास बैच जो है ये 6 से 7 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स यहां पर करा देगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रयास बैच में अगर आप इस समय पर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी फीस है उस पर 50% ऑफ आपको मिलेगा, यहां पर 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। सर कितनी फीस आपको देनी होगी यहां पर ये बता दीजिए हमें, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको 3 सब्जेक्ट के लिए यहां पर 10,104,99 ये फीस आपको देनी है, केवल केमिस्ट्री अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4374 आपको यहां पर ये फीस आपको देनी होगी। कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस बच्चों यहां पर मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहां पर मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं, सारे डाउट आपके यहां पर क्लियर होंगे, पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीमियम नोट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहां पर दी जा रही है जिसका यूज आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करने में। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं, और टोटल 4 लोगों की हमारी ये यहां पर टीम है, 2 टीचर आपके बायो में आपको दिए जाएंगे, मैं कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा और फिजिक्स के लिए हमारे पास टीचर होंगे, तो वो सारी चीजें आपकी समय पर कंप्लीट कराएंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करिए, आज ही नून ऐप को डाउनलोड करिए, लाइव क्लास में आ जाइए, आपके समय पर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, उस नंबर पर भी आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।